नहीं नहीं अच्छा लग रहा है, हाँ मैं बहुत क्यूट लग रही हूँ। एक्सक्यूज मी जेंटल लेडी, एक्सक्यूज मी, दरअसल आप गलत दिशा में जा रही हैं। मुझसे टकराने से पहले आप उस दिशा में जा रही थी और अभी आप मेरे साथ चल पड़ी। गलत मैं नहीं, गलत तुम जा रहे हो। तुम उस दिशा में जा रहे थे, तुम इस दिशा में क्या कर रहे हो? शक्ल से तो तुम शरीफ नजर आते हो, इरादा क्या है तुम्हारा? शर्म नहीं आती तुम्हें? मुझसे गलती हो गई, सर पीरा कहीं का। हाँ आ रही हूँ, देखा देखा मैंने कहती थी, तुम एक बार कह दो तुम चाहते क्या हो। हा? जिस दिशा में मैं जा रही हूँ उस दिशा में तुम क्यों जा रहे हो? अरे मेरी माँ मेरी बहन, आप ही मुझे बताइए मैं किस दिशा में जाऊँ? जिस दिशा में तुम पहले जा रहे थे उस दिशा में जाइए ना। हाँ ठीक है तो मैं वही जाता हूँ। छेड़खानी कर, ओके ठीक है। इतने ही है मेरे पास, बहुत कम है। तुझे जाना अमेरिका, इतनी दूरी और इतनी छोटी तिजोरी, बेहतर है तुम मुझे दे दे। बाबूजी के कोर्ट का कल फैसला भी है और वकील को जुबान दी है मैंने। नहीं तो तू जबान की बोली लगा के वकील को पैसा इकट्ठा करने के लिए बोल ना, और मैं ये पैसा नहीं दूंगा। तू ये पैसा कोर्ट कचहरी में नहीं लगा रहा है, तू ये कुएं फेंक रहा है, तू समझ नहीं रहा बात को। गलत बोल रहा है तू, शिक्षक देश का भविष्य बनाता है, उसका वर्तमान देश नहीं बिगाड़ सकता। मुझे यकीन नहीं है कि सभी लोग जीतेंगे, और जैसे ही कोर्ट हमारी नुकसान भरपाई करेगा मैं तेरी पाई पाई चुका चुका दूंगा। 35,000 हो गए पता है तुझे? आर यू अंडरस्टैंडिंग? आई एम ग्रेटफुल टू यू। अरे तकलीफ मैं उठाऊं, पैसा मैं इकट्ठा करूं, ग्रेट तू हो गया? अरे ग्रेटफुल बोल रहा हूं। अरे तू ग्रेट हुआ, मैं कौन हुआ? फूल। ये मेरे परिवार की रक्षा और उसकी जीत की फीस। तुम मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। नहीं बल्कि मैं माफी चाहता हूँ कि कल कोर्ट का फैसला है और मैं फीस आपको आज दे रहा हूँ। मास्टर जी ने मेरे बच्चों को भी पढ़ाया है, गुरु दक्षिणा देने का भाग्य तो मिलने दो। अफसोस की बात तो यह है कि तुम्हारा खड़ूस जीजा तुम्हारे घर में रहकर तुम्हारे पिताजी के खिलाफ केस लड़ रहा है। आज तक तो मैं खामोश रहा लेकिन अब मैं चुप रहने वाला नहीं हूँ। ये जीजू हम दोनों के पिताजी के खिलाफ कोर्ट में केस कैसे लड़ सकते हैं? नहीं अपने ससुर के खिलाफ लड़ने को इनको शर्म नहीं आती? मैं क्या करूँ, वो मेरी सुनते थोड़ी है। 40 साल बाबूजी ने स्कूल के अंदर पढ़ाया लिखाया, कितनी इज्जत है उनके समाज में, न पेंशन न ग्रेजुटी और न्याय के लिए संघर्ष, और ऊपर से तुम भी अपनों का साथ नहीं दे रही हो। कल कोर्ट में फैसले का दिन है, जीजू चाहे तो केस छोड़ सकते हैं, समझा देना उनको। अरे दीपक, आपने तो मुझे भीष्म पिता में बना दिया बाबू। वो कैसे? दरअसल जीत मैं आप ही की चाहता हूँ, लेकिन लड़ना स्कूल की तरफ से पड़ रहा है। प्रोफेशनल एथिक्स जिसकी शिक्षा मैंने आप ही से पाई थी, ये कैसे भूल सकता हूँ? और ये भी कैसे भूल सकता हूँ कि 20 साल पहले जब इस स्कूल को लीगल एडवाइजर की जरूरत थी तो इस पोस्ट के लिए आप ही ने मुझे चुना था। और अपनी बेटी के लिए भी, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है विनायक, तुम अपना फर्ज निभाओ, मैं अपना फर्ज निभा रहा हूँ। तो बाबूजी दीपक को भी समझाइए ना इस बात। ना समझे, तुम्हारे अंदर के महापुरुष को समझ नहीं पा रहा है। उत्तम भाई आप बॉम्ब पे बैठे हैं। बॉम्ब? हाँ। कहाँ है बॉम्ब, कहाँ है? ए बॉम्बे बॉम्बे बॉम्बे, भागो 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 सब लोग भागो बॉम्बे। अरे भाई साहब, अरे घर की बात कर रहे हैं यार, बैठो। अरे भैया कुछ नहीं कुछ नहीं, मैं जगह की बात कर रहा हूँ, जमीन के भाव जो है, हाँ जमीन के भाव बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं भाई, वो सब मालूम है। हमको ये बताइए कि आज की तारीख में उस घर का दाम क्या होगा? 15 करोड़। क्या क्या? 15 करोड़। जितनी जल्दी हो सके घर बेच दीजिए, वरना म्युनिसिपैलिटी वाले का कोई भरोसा नहीं। रास्ता चौड़ा करेंगे, फ्लाईओवर बनाएंगे, तो दाम जो है वो ठुस करके गिर जाएंगे। अरे नहीं नहीं गिरेंगे दाम, नहीं गिरेंगे, हम वो घर बेच के ही रहेंगे। भैया चाय, संतरे का जूस। प्यार की टंकी ओवरफ्लो हो रही है, काम की बातें करो ना। पैसे से एलर्जी है? मेरे लगने से क्या होता है? कृपलानी, कृपलानी कृपया करके घर बेचने की बात दोबारा मत करना। कृपलानी बहुत अच्छी कीमत दे रहा है। बाबूजी ने इस घर की नींव खुद अपने हाथों से डाली थी, यह घर उनके पैसों से नहीं खून पसीने से खड़ा हुआ है। ये कमरा जहां पर हम लोग ये सब बातें कर रहे हैं, ये कभी मैटरनिटी रूम हुआ करता था, यहीं पे हम सब पैदा हुए, माँ ने यहीं दूरियां सुनाई। जब भी मैं यहां सोता हूं बड़ी मीठी नींद आती है। मेरे लिए यह घर अनमोल है, मैं इसको किसी कीमत पे नहीं बेच सकता।
मालवीय मेमोरियल हाई स्कूल के प्रिंसिपल श्री ओंकारनाथ जी ने अपनी रिटायरमेंट के 6 साल पहले एक लाइब्रेरी बनवाई। ये काम विद्यार्थियों के हित में था, लेकिन स्कूल कमेटी के फैसले की राह देखे बगैर उन्होंने ये लाइब्रेरी बनवाई और स्कूल को 20 लाख का नुकसान उठाना पड़ा। इस नुकसान की भरपाई करने के लिए स्कूल कमेटी ने श्री ओंकारनाथ जी की 6 साल तक की मासिक आय, आज तक की पेंशन और प्रोविडेंट फंड, कुल मिला के जो रकम आज की तारीख में ब्याज सहित 10 लाख होती है, स्कूल के पास पैसे ना होने का कारण बताते हुए दी नहीं। मैंने स्कूल के 7 साल के जमा खर्च को गौर से पढ़ा है, जिससे ये बात साफ जाहिर है कि स्कूल के पास पैसा है नहीं। इसलिए ओंकारनाथ जी स्कूल की तरफ से जो 10 लाख रुपए मांग रहे हैं वो देना सचमुच नामुमकिन है। लेकिन कोई स्कूल कमेटी किसी शिक्षक को उसकी मासिक आय, पेंशन और प्रोविडेंट फंड से वंचित नहीं रख सकती। माफ कीजिए योर ऑनर, आप खाली गिलास से पानी पिलाने की बात कर रही हैं। स्कूल कमेटी के कानून तोड़ने के जुर्म में उल्टा श्री ओंकारनाथ जी को हमारी नुकसान भरपाई करनी चाहिए, कम से कम 25 लाख, क्योंकि सारे पैसे लाइब्रेरी में उड़ाने के बाद स्कूल की आर्थिक हालत जो बिगड़ी है वो अब तक सुधर नहीं पाई। हिसाब आपके सामने है, आप देख लीजिए। आप गंगा उल्टी बहाने की कोशिश ना करें विनायक जी, पैसा नहीं तो ना सही। पेन की जगह पेंसिल इस न्याय से स्कूल को उतनी ही कीमत की कुछ प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी, ये अदालत का फैसला है। स्कूल के पास क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं जज साहब? कुर्सियां, टेबल्स, ब्लैक बोर्ड, चॉक्स चाहिए है? बोलो बोलो। हाँ जज साहब, स्कूल के पास एक बस है, अगर इनको मंजूर हो तो बस ले सकते हैं। बस चाहिए? बोले बोले है? बस पैसे की जगह बस देंगे, ये कैसा न्याय है? अरे चाहिए एक हाथी, लेकिन हाथी नहीं है तो क्या हाथी के वजन के चूहे देंगे? ये अजीब है ना। अरे ये काम धंधे के लिए बस दे रहे हैं, ये वो बस दे रहे हैं जो चलती है। I'm confused. अदालत का फैसला मुझे पागल की हंसी जैसा लगता है, जैसे पागल हमारी तरफ देख के हंसता है और हमें मालूम होता है इसकी हंसी का कोई मतलब नहीं। सालों साल कोर्ट में चप्पलें घिसने के बाद और इतना सारा रुपया लगाने के बाद हमारे हाथ क्या आया? एक बस। बस फिर तू बहुत निराशावादी हो गया तुरे। क्या निराशावादी हो गया? तू बात समझ नहीं रहा है। देख, एक अंग्रेजों में एक कहावत है कि हर काले बादल के ऊपर एक चांदी की लकीर होती है। जिसे बेच नहीं सकते। अब लंदन में कोहिनूर पड़ा है, हमारे किस काम का? तू लंदन क्यों पहुंच गया? तू प्लेट की बात करना जो सामने पड़ी है। ये देख, ये 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 मान ले मैंने बस बेची और मुझे 5 लाख रुपए मिले, इसमें से 1 लाख रुपए फिर से मैंने तुझे दिए, 1 लाख रुपए मैंने वकील को दिए, अब तेरे बनते तेरे 32-35 है। अगर तूने बैच पे भी बैच पकड़ लिया तो भी वो तो समझने वाली बात है ना। अभी अभी 3 के ऊपर मेरी 3 की कमाई तो 3 के ऐसे ही आने वाले हैं। अब इसमें से 1 लाख रुपए मैंने तुमको अमेरिका जाने के लिए दिए, तो वो कितने गए देखो। क्या सोचा ही नहीं था क्या? ये इसका पेपर में इश्तहार देना पड़ेगा। अरे इतना बड़ा केस थोड़े था कि अखबार में जीत का इश्तहार देना पड़े। नहीं मैं केस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बस की बात कर रहा हूँ। इश्तहार देंगे बस बिकेगी तो पैसे आएंगे और लगे हाथ 3 हिस्सों में बढ़ जाएंगे। कभी कभी सोचता हूँ कि देवी देवताओं की तरह मेरे 3-3 हाथ पैर होते, एक आंख यहाँ, एक हाथ यहाँ, एक टांग वहां, तो बांटने में आसानी होती। तुम्हारे वो फर्नीचर वाले बिजनेस का क्या हुआ? बाबूजी सुना है आजकल ठेकेदार लोग बगैर परमिशन लिए पेड़ काटने लगे हैं। बात समझ में नहीं आई मेरे। उसके पहले जूनियर कॉलेज में पढ़ाने जाते थे, वो भी छोड़ दिए। वो तो आप तो जानते ही है ना, ये लोग तनख्वाह देते थे हाथ में 7,000 रुपए और दस्तखत करवाते थे 15,000 पर, और जब मैंने तकरार की तो उन्होंने करार कैंसिल कर दिया। जी अब तुम्हें एक और इम्तिहान देना है। राजश्रीकृत विवाह देखना है? वो नहीं। हाँ? ये नीचे ओ, रूट परमिट सोनावाड़ी से रत्नाकर चौक तक, ये किस लिए? बस के लिए। पर बाबूजी मुझे इस बिजनेस के बारे में कुछ पता ही नहीं है। पानी में गिरोगे तो तैरना सीख जाओगे। देखो मेरी बात मानो, बस को बेचो नहीं, बस को चलाओ।
थोड़ी आमदनी, थोड़ी लोगों की सुविधा और फिर अपने हिसाब से मुझे लगता है ये काम तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। आप कहते हैं तो ठीक है। देखिए एक बस के अंदर 60 सीटें होती है, ऑन एवरेज एक सीट का होता है कम से कम 10 रुपया, तो उस हिसाब से अगर बस पूरी हाउसफुल होगी तो 600 रुपया एक बस के अंदर एक ट्रिप का मिल जाएगा। तो उस हिसाब से देखा जाए अगर तो दिन में 24 घंटे में कम से कम 18 घंटे तो काम करेंगे, तो एक ट्रिप का 3 घंटा हुआ था, 18 को अगर हमने 3 से भागाकार किया तो उस हिसाब से दिन में 6 ट्रिप हो जाएगी, और एक ट्रिप का अगर 600 रुपया हो गया तो 6 ट्रिप का 3600 रुपया हो गया। तो उस हिसाब से पूरे दिन के अंदर अगर 3600 रुपया कमाया तो हफ्ते भर में 25,000 रुपया तो चक्कर चला लिया, तो हफ्ते भर में 25,000 रुपये का चक्कर चल गया, तो साल भर के अंदर एक बस का जुगाड़ हो जाता है कम से कम 12 लाख रुपया। तो एक बस का ही 12 लाख का चक्कर चल गया तो 5-7 बस तो मैं यूँ डाल लूँगा, तब तो लाख रुपये का हिसाब किताब हो जाएगा भैया। एक बात बता, मोटा मोटा समझा, गणित में अपना हिसाब किताब ठीक नहीं था ना, ओवरऑल कितना हुआ? अरे ओवरऑल तू समझ के करोड़ों रुपए का झोल जुगाड़ है। जाना अमेरिका जाना है? मैं अमेरिका क्या हो गया? अब पागल हो गया क्या? अरे सारा पैसा वैसा बाद में मिलेगा। देख तू क्या मजा आ गया। देख नर्सरी से पेड़ पौधे खरीद के नहीं ले जाने, बस ले जानी है, आगे चलिए। यही बस है ये गाड़ी है कबूतरों की झाड़ी। और इसे इतना बेल से क्यों सजा रखा है? झिंगा लाला हो की शादी की बारात निकल रही है क्या? ये वो बस नहीं हो सकती दीपक, आप प्रिंसिपल साहब को फोन लगाओ। देखो एक, ये वही बस है जो विनायक अग्रवाल ने आपको देने को बोला है। दो, प्रिंसिपल साहब आज छुट्टी पर हैं। तीन, आप जल्दी से यहाँ साइन कीजिए। और चार, मास पीटी करवा रहे हैं आप बच्चों से, कितना गिनवाएंगे? कितना गिनवाया था तूने? साल का 10-12 लाख। इसे भंगार में भी बेचूं तो लाख क्या, कांच की चूड़ियां भी नहीं खरीद पाऊंगा माँ के लिए। देख अभी कुछ भी नहीं है, उससे कुछ तो होना अच्छा है ना? अच्छा है क्या? अच्छा है यार, मैंने फोल्डिंग सोफा देखा था, फोल्डिंग बस तो पहली बार देख रहा हूं। अरे ए, इसमें तो पहिया भी नहीं है, कम से कम स्कूल को पहिया तो देना चाहिए। स्कूल क्यों देगा, अपनी जेब से डालो। अरे जेब में क्या आदमी पहिया लेकर घूमता है क्या? जब कोर्ट ने स्कूल को ऑर्डर दिया है तो बस तो देनी चाहिए ना पूरी। हाँ तो बस में पहिया होते हैं ना? अरे स्कूल की बस में तो बच्चे भी होते हैं, अब मैं आपको बच्चे कहाँ से दूँ? इतनी मदद की जरूरत नहीं है, इतनी मदद तो बस भरने तक मैं कर लूंगा अपने आप की। आप समझ में आया, कोर्ट में बस देने के बाद भी वो जीजू इतना मुस्कुरा क्यों रहा था? ये सब तेरे जीजू का क्या धरा है? जीजू का धर धर के पागल हो जाए। अब इस नारियल का क्या करूं, अपने सर पे फोड़ लूं? खोपरे की गाड़ी बनाई अपने घर में, धंधा शुरू होने से पहले जीजू ने धंधे की ना। इतने सोने का तो मैं 10,000 ही दे सकता हूँ। तेरा 10? तेरा? अरे एक बार बोला ना 10। अच्छा तेरा इतने में हो जाएगा ना? नहीं तेरा मेरा कम ज्यादा की बात नहीं है, ऊपर वाला बचा है। लाओ पहली पैसेंजर के भीड़ में ही निकाल दूंगा इनका, मैं कर्जा चुका दूंगा। लाओ बचा लेना मालिक। चल आ जा भाई। मामू मैंने पापा से बस के लिए एक नाम पूछा, उन्होंने कहा चल। मेरे पापा ने भी कहा चल। एक बात समझ में नहीं आती बाबूजी, ये दोनों बार बार तरह तरह से मेरी बेइज्जती क्यों करते रहते हैं? उनके चल को छोड़, तू अपनी अकल से चला चल। सुपर मिल गया ना कामयाबी का रास्ता, उन दोनों ने कहा चल, आपने कहा चला चल, तो बस का नाम आज से चल चला चल। अच्छा है।
सबके चेहरे खिले हुए हैं, आपका मुंह क्यों लटका हुआ है? मेरे भाई की बस शुरू हुई है, जरा खुश रहिए ना। तेरे भाई की बस शुरू हो रही है तो क्या मैं नाचू? अरे आरती वहाँ चल रही, यहाँ क्यों कर रहे हो? सुन, आरटीओ ऑफिस से फिटनेस सर्टिफिकेट लेना है ना, तो यू टर्न को मस्का मारते हैं, तो ये नारियल उससे फुड़वा देते हैं। अच्छा, मतलब के इज्जत देने से संतुष्ट हो जाएंगे? आराम से बोलना। मी नारियल ब्रोकर। दम क्यों सूख रहा है? दम लगाकर फोड़ दो नारियल, तुम भी परिवार का हिस्सा हो। नारियल, मी नारियल ब्रोकर। जय बजरंग बली। कोयला इंजन जैसे धुआं फेंक रही है खतरा, और तुम्हें फिटनेस सर्टिफिकेट चाहिए? पहले इसे फिट करवाओ। तुझे तो मैं कुत्ते की मौत मारूंगा। क्या हो गया? अबे मुझे बोला ना तो चींटी की तरह मसल दूंगा। नहीं यार, मैं नहीं। मैं गाय को नहीं यार, तू ही नहीं। और तू भी क्यों नहीं यार, तू मेरा दोस्त है। इसकी ऐसी कितना अबे अबे अबे, अबे गियर किधर ले जा रहा? कौन से गियर से गाड़ी चलाऊंगा? अबे सुंदर, सुंदर ये कहाँ चला गया? अरे आगे ले गाड़ी। सुंदर क्या रे? अरे ट्रैफिक तुम जाम क्या? सब पूछ रहे, गाड़ी हटा यहाँ से। सलाम साहब, हैप्पी वैलेंटाइन डे। हैप्पी वैलेंटाइन। अबे गाड़ी हटा तू पहले। क्या बाइको वाइफ सारी गर्लफ्रेंड सब ठीक है ना? अरे बाल बच्चों का पूछ यार, मेरे बाल पक गए। पहले तू गाड़ी हटा, यहाँ से ट्रैफिक जाम हो रहा है। अरे कैसे निकालूंगा वो गाड़ी न्यूट्रल में? अरे तो फर्स्ट डाल ना, जा निकल जाए यहाँ से। अरे लेकिन वो अब क्या हो गया सर? मेरा दोस्त है ना, उसका पासपोर्ट चूहा खा गया। अरे उसमें पब्लिक का क्या दोष है? तू गाड़ी हटा। अरे लेकिन मैं क्या करूँ, वो मारने को भागा है। कौन? चूहा? नहीं, वो मेरा दोस्त। अरे दोस्त की बात कर रहा है, तू गाड़ी हटा पहले। अरे लेकिन वो आएगा तब निकलूंगा ना, वो तो गेरी लेकर भाग गया है। ए सुंदर, मुझे सुंदर मत बोल। सुंदर सुंदर बोल के मेरे तलवे मत चाट, मैं कहता हूँ सारी दुनिया जानती है मैं सुंदर हूँ। हाँ, किसने बोला आपको? मेरी माँ बोलती है। अच्छा ठीक है, जो भी है, धूप बहुत पड़ रही है, आपका मुँह काला हो जाएगा। एक मिनट अंदर बैठिए, मैं तभी तक सुंदर को बुला के लग गया। तुम अरे सुंदर
अबे पागल हो गया क्या? मैं पागल हो गया हूँ। जब तक साले को जान से नहीं मार दूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। साले ने सारे मेरे सपने बर्बाद कर दिए। अबे जाम हो गया, वो इंस्पेक्टर साहब भड़क रहा है या लिवर दे मुझको चक जोड़। मुझे चूहे का लिवर कुचलने के लिए लिवर चाहिए। अबे वो इंस्पेक्टर तेरे मुंह में हाथ डाल के तेरा लिवर बाहर निकालेगा। ले छोड़ छोड़। कब तक भागेगा तू? ये है सुंदर। अरे इस बंदर को सुंदर कहते हैं? अबे बैठ जा, बस में बैठ जा, चल चल। अरे ऊपर का